लगा है। अच्छा, कितने का चालान हो चुका है? कितने का चालान हो रहा है? 5 से 20 रुपये का। बाकी सारी चीज़ें इनके पास है, डॉक्यूमेंट ये बात की है। ओके जी, अब आप जो है नंबर प्लेट चेंज करके लाएंगे जी। आपको इन्होंने रोका है, चलान किया है आपका, चलान कर दिया है, तो अब आपको नसीहत हो गई है तकरीबन कि आप जो है, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, मालूम नहीं थी, तो अब आप इंशाल्लाह जाके जो है, अभी करने में कोई मसला नहीं, अभी उतार के आपकी मर्जी। ठीक चले, आप जाके बस करवा लीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। ये कानून सबके लिए है सर, थोड़ी फायदे का कानून है। हम कानून की पासदारी जरूर करेंगे। बिल्कुल सही है, काश ये सब करें तो बहुत अच्छी बात। इंशाल्लाह सबका होगा, अभी ट्रेन चल गया है, इंशाल्लाह जरूर होगा। ठीक है जी, परसेप्शन जो कि अभी मैंने उनसे भी शेयर किया, ऐसे अवामी से भी, आपसे भी करना चाहूँगा, लोगों का परसेप्शन ये है कि ये ट्रैफिक पुलिस जो है ना, तकरीक है, जो हाई फाई होते हैं, जो इंक्रीमेंट होते हैं, उनकी रोकथाम को यकीनी नहीं बनाती है। यहाँ कोई मोटरसाइकिलिस्ट होता है या स्कूटी वाला होता है या आम की गाड़ी वाले को जरूर रोकते हैं, मगर कोई हाई फाई इंक्रीमेंट लोगों को नहीं रोकते। इससे क्या सदाकत है? ये हमारे पास तफरी से चलान नहीं है कि वो गरीब है और वो अमीर है। इस पर बाला अफसरान की इकदाम आते हैं, हमें सख्ती से अमल करना पड़ता है, और इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। जितने अफसरान लगे हुए वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, मनाही होगी उसके खिलाफ भी जो है ना कार्रवाई की जाएगी। अच्छा माशाल्लाह, ये चीज़ भी जो है वो काबिल फिक्र, यहाँ ये है अब जो बनाने वाले वो भी कानून की गिरफ्त में होंगे, वो भी कानून की गिरफ्त में होंगे। अब ये बताइए सर, ये नंबर प्लेट जो है वो पेंसिल लगाने की वजूहत क्या बता देंगे? ये वजूहत बताने के एक्साइज वालों के नंबर प्लेट इशू हुई है। अच्छा, अगर एक्साइज वालों के इशू हुई है तो वो डुप्लीकेट नंबर प्लेट देते हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो ओरिजिनल नंबर प्लेट घर पर रख लेते हैं, अपनी ट्रेनिंग नंबर प्लेट लगा के घूमते हैं। अच्छा, अब ये बताइए एक्साइज का, तो ये तो एक्साइज के ऊपर भी आता है, क्योंकि हमने भी सुना है, हमारे दलाल का भी कहना है कि एक्साइज जो है नंबर प्लेट घर पर इशू नहीं करती है, तो उनके लिए कोई रिलीफ है? और उनके लिए ये रिलीफ है कि वो अपनी वो साख्ता बनवा के लेटर देते हैं, एक्साइज वाले लेटर देते हैं जिसमें लिखा होता है नॉट इशू नंबर प्लेट। अच्छा, इनके पास वो लेटर होता है, हम उसको जाने देते हैं। अच्छा, उनको जानकारी जाए, उनके ऊपर कोई किसी किस्म की लाइबिलिटी नहीं होती? उसमें लाइबिलिटी नहीं, मगर वो सादा इस स्टाइल की सादा, ये नहीं कि फैंसी नंबर प्लेट लगाएंगे, जो सादा नंबर प्लेट होती है वो लगाएं। छोटी रिस्क के लिए ये होता है कि आप तो अपने इदारे से कोई लेटर लेना पड़ेगा। अच्छा, उस लेटर के ऊपर एक किसी मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिससे हम पूछते हैं कि आपने हेलमेट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? तो वो अगर सरकारी हॉस्पिटल से इस तरह का ले आए लेटर कि मैं दिमागी तवाज़ुन मेरा सही नहीं है या मेरे सर में एलर्जी है, लेकिन वो उस सूरत में जब वो सरकारी लेटर लेकर आएगा सरकारी हॉस्पिटल से, तो उसको थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन हेलमेट लगाना मेरी और हमारे जो मोटर राइडर्स हैं उनकी अपनी हिफाजत है। अच्छा सर, माजरा के सर, आपने माशाल्लाह हेलमेट लगा के बड़े अच्छे भी लग रहे हैं और आपने अपने क्वेश्चन को जो है वो खतरे में दिलाया हुआ, आपकी नफरी ने भी नहीं लगाई हुई हेलमेट, उसको क्या कही है? सर, हेलमेट लगाना होता है गाड़ी चलाते हुए। अच्छा, तो मैं बाइकर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास बड़ी हेवी गाड़ी है, मेरे पास मुझे अगर हेलमेट लगा लिया नहीं भी लगाऊंगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर लगा लिया तो मैं एक सामने उजागर हो रहा हूँ कि देखिए हेलमेट लगाना लग रहा है आपके लिए भी और सबके लिए अच्छा है। दिखाएंगे सर, दिखाएंगे, एक मिनट दिखा देंगे। ये देख सकते हैं नाजीन, इस तरह करके ये जो निशान है ये भी हमारी जो है वो ISI का निशान है, खुलते कहेंगे हम यहाँ पर, लोग इसका भी फायदा उठाते हैं, ये लगा के दूसरों को शो ऑफ ये करते हैं कि देखें हमारा ताल्लुक पुराना खास्ता इस इंटेलिजेंस एजेंसी से है, जबकि उनका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अब इसको कहते हैं फैंसी प्लेट, अपना आसम भाई जी सर, उसको फैंसी नंबर प्लेट में। अच्छा, चलान दिया तो ये क्या कोई भरमबाजी की तरह से उस पर लगाया जाता है, शो ऑफ करने के लिए लगाया जाता है, वजूहत क्या बताते हैं? वजूहत यही है कि शोबाजी के लिए भी, और जो है अपने आप को कि हम बहुत से पुलिस की नंबर प्लेट लगा लेते हैं, बहुत से एमआईटी की लगा लेते हैं, जब उनका दूर दूर तक ताल्लुक सर। ट्रैफिक पुलिस असल में ना ये मोटर राइडर से दोस्ती करती है, इनके घर से जब ये निकलते हैं तो उनके घर वाले ने ये नहीं कहते कि बेटा हेलमेट पहन के जाओ, लेकिन क्या है ट्रैफिक पुलिस वाला पहली फुर्सत में इनसे पूछता है कि बेटा आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? अब उसका जब चलान होता है तो उसको बुरा लगता है, लेकिन चलान इसलिए होता है कि जब भी आपका बच्चा अगर आपके किसी भी स्कूल में फेल होता है तो आप उसको पनिशमेंट देते हैं, मतलब इसको अगर 170 रुपये की पनिशमेंट
फैल रही है और उसको खातिर में लाते हुए अगले दिन हेलमेट पहनेगा तो हमारी और आपकी अपनी जीत रही है।